नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिवालिया होने कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनता हर दिन और बदहाल होती जा रही है। जनता लोगों को जहां खाने के लाले पड़े हैं उस पर सरकार राहत देने के बजाय उन पर बोझ बढ़ाती जा रही है। जी हां, अब कंगाल पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जो पहले से महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को बर्बाद करने वाला साबित हो सकता है। पाकिस्तान असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मदद देने के लिए रखी गई कड़ी शर्तों को मानते हुए फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 पास कर दिया है। यानी अब महंगाई से बदहाल जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा, ऐसे में उनका संकट और गहरा हो सकता है। वहीं इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर कर्ज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। जी हां, यह राशि इस सप्ताह पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बुधवार को यह जानकारी दी। चाइना डेवलपमेंट बैंक के निर्देशक मंडल ने यह घोषणा पाकिस्तान की सांसद नेशनल असेंबली में आम सहमति से धन विधायक से पारित होने के एक दिन बाद की है। कर राजस्व बढ़ाने के इरादे से धन विधायक लाया गया। वित्तीय मदद को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विभिन्न शर्तों में यह भी शामिल है। इसके साथ ही दार ने कहा कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और कोष स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अंतरित किया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के निर्देशक मंडल ने 70 करोड़ डॉलर के कर्ज को लेकर मंजूरी दे दी है। यह राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस सप्ताह मिल जाने की उम्मीद है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का ही है। पाकिस्तान पर मौजूदा कर्ज का 30% हिस्सा अकेले चीन का है। ऐसे में चीन से मिलने वाले नए कर्ज से पाकिस्तान की मुश्किलें थोड़े वक्त के लिए तो दूर हो सकती हैं, लेकिन बाकी का क्या? हालांकि थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान के सामने फिर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में उसे लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए दूसरा रास्ता तलाशना ही होगा। चीन की मदद के बाद क्या पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएगा? यह सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। देखा जाए तो सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान ने सबके सामने हाथ फैला लिए, लेकिन कोई उसके काम नहीं आया। जहां उसकी एक आस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर भी टिकी है। IMF ने भी बेल आउट पैकेज रिलीज करने के लिए पाकिस्तान के सामने ऐसी कई शर्तें रखी हैं जो आर्थिक बदलाव देश के लिए पैसों की किल्लत के साथ दूसरी बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि पाकिस्तान के सामने इन्हें मानने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा। अब पाकिस्तान ने IMF की सबसे कड़ी शर्त भी मान ली है जिससे लोगों को और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। IMF की ओर से आर्थिक मदद दिए जाने के बदले देश में कई जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ने की शर्त रखी गई थी। अब पाकिस्तान असेंबली ने मंगलवार 21 फरवरी 2023 को कई वस्तुओं पर टैक्स में इजाफा करने के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। ऐसे में रोटी पानी से लेकर गैस पेट्रोल के लिए तरस रहे लोगों की जिंदगी और मुश्किल होना तय माना जा रहा है। यह बता दें कि देश में महंगाई दर 30% के करीब है। रोजमर्रा के जरूरी सामान भी लोगों की पहुंच से काफी दूर जा रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए और पाकिस्तान के हालातों की हर एक खबर पर नजर रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।